पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे कुछ कटे हुए प्याज, अदरक, ग्रीन चिलीज और थोड़े से धनिया। फिर एक बोल में हम 2 से 3 उबले हुए आलू ले लेंगे और उसमें सारे चॉप्ड इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे एक के बाद एक। फिर ऊपर से हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। इसके बाद हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। फिर हमें आलू को हाथों के हेल्प से मैश कर लेना है और सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिक्स कर लेना है। एक बार सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें 2 से 3 कप आटा ले लेंगे। टेस्ट एनहांस करने के लिए हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच चीनी। फिर हमें सभी इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिला के एक डो तैयार करना है और ये डो ज़्यादा ना तो स्टिकी होना चाहिए और ना ही ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। फिर हम डो के छोटे छोटे पार्ट्स निकाल लेंगे और उन सभी को रोल आउट करके स्मूथ कर लेंगे। इसके बाद उन सभी बॉल्स को हम फ्लैट करके पराठों में कन्वर्ट कर देंगे। अब हमें एक पैन में थोड़ा सा तेल लेके उसे यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर देना है। अब हम इस पराठे को पैन में प्लेस कर देंगे और इसे फ्राई करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम में। पहले कुछ मिनट हमें पराठे को लो टू मीडियम फ्लेम में पकाना है और उसके बाद फ्लेम को मीडियम टू हाई फ्लेम में कन्वर्ट करके दोनों साइड पे यूनिफॉर्मली पकाना। एक बार पराठा बनके तैयार हो जाए इसके बाद हम पराठे को किसी भी चटनी, सॉस या फिर दही के साथ सर्व कर सकते हैं और मील को एंजॉय कर सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अब तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक, शेयर और कमेंट करना भी मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।